क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इंटरनेट पे लगभग जो भी जहां भी देखोगे लगभग सभी लोग इसको गलत सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टी वाला क्वेश्चन है कि मिसकंसेप्शन वाला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। चलो एक एक ऑप्शन इसका चेक करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कॉइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? अगर आपको नहीं पता तो फिर आप कंफ्यूज हो गए इसमें। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा दूंगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ सीएम और सीजी। देखो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होगी जहां पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। नॉर्मल केस में यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। छोटे बॉडी के लिए अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होता है। जो थियोरिटिकल पोर्शन में मैं इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया हूँ, तो ये अलग अलग पॉइंट होते हैं। अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो ये दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं। क्लियर है ये? तो ऑलवेज कोइंसाइड, ये तो बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑलवेज कोइंसाइड नहीं करते हैं। कब कोइंसाइड करते हैं? जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द जीरो, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास जो होता है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, सीएम और सीजी अलग अलग है, ठीक है। जैसे कोई बड़ा पहाड़ होता है, ठीक है, ये एक मिनट इसको मैं आपको थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो हम लोग पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ये अर्थ पर है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है थोड़ा सा पास में आता है और सेंटर ऑफ मास इधर कहीं, ठीक है, थोड़ा सा इससे ऊपर आता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है वो बड़े पहाड़ के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है यार, ठीक है। तो जब ये पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क लोगे, जब ये दोनों पॉइंट अलग अलग लग रहे हैं, तो अगर मैं टॉर्क निकालूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, ठीक है, तो ये जीरो कैसे हो जाएगा भाई, ठीक है, ये जीरो नहीं होगा ना, ठीक है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर जो सें जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। इट मे भी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करें, ठीक है, बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क वो तो जो है वो जीरो, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझ रहे हो ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क तो ऑलवेज जीरो होगा। कैसे? देखो इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। एक बहुत बड़ी बॉडी है, ये बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो कहीं और आ रहा है, तो सी जी यहाँ आ रहा है, सी एम यहाँ आ रहा है। तो दोनों का जब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है, ग्रेविटी यहाँ लग रही है, तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास अबाउट के जीरो कैसे हो जाएगा भाई? हाँ, जीरो कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑलवेज जीरो होगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ग्रेविटेशनल टॉर्क वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब ये हुआ, ठीक है, मतलब ये हुआ कि ए भी, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत है, ठीक है। कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी। जो कपल होता है वो उसका हम यूज, ये भी गलत है। कपल जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के पेयर्स होते हैं। सबसे सिंपल कपल, जो सबसे सिंपल कपल होते हैं उसमें दो फोर्स होता है, ठीक है, एक फोर्स ऊपर लगा तो एक फोर्स नीचे लगा, दैट इज द सिंपलेस्ट कपल। सबसे सिंपल और अच्छे वाले कपल ये होते हैं जिसमें दो फोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब जब एक बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो वो कहीं भी लगे यार, किसी भी लोकेशन पे लगे, वो ट्रांसलेट नहीं करा सकते। नेट ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा? जीरो होगा। बट कपल उसको रोटेट करा सकता है, ठीक है। कपल क्या करता है? रोटेट कराता है, रोटेशनल मोशन जनरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इट क्रिएट द टॉर्क, मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत चला गया।
रही बात फोर्थ, फोर्थ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक्चुअली मैकेनिकल एडवांटेज स्मॉलर देन इफोर्ट, इफोर्ट का बात किया है तो ये जो मैकेनिकल एडवांटेज का बात कर रहा वो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज होता है। क्या होता है? एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। और एक होता है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। इसका डिफिनेशन क्या होता है और एक की यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज वो होता है आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाय इनपुट फोर्स, या इसी को मैं लिख सकता हूँ लोड डिवाइडेड बाय एफोर्ट। अभी समझना आपको, मैकेनिकल एडवांटेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम फोर्स को एम्पलीफाई करते हैं, फोर्स को बढ़ाएंगे, छोटा सा फोर्स लगा के ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मतलब हम उसे वर्क लेंगे, ज़्यादा इफोर्ट क्रिएट करेंगे, ऐसे इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, एम्पलीफाई करने के काम आता है। पर ये ठीक है, अगर इस जो मैकेनिकल एडवांटेज है, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक मैं सिंपल मशीन बनाता हूँ, ये एक हमारे पास सिंपल मशीन है, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे एक रोटेशनल हिंज लगा दिया, और यहाँ से एक आदमी इसको यहाँ से फोर्स, इनपुट फोर्स लगा के इधर, ये जो फोर्स लगाया है वो क्या है? इनपुट फोर्स, ठीक है, इनपुट फोर्स। तो ये इनपुट फोर्स है, ठीक है। अब इनपुट फोर्स यहाँ पर ये है कि पहाड़ रखा है, इसको उठाना है इससे, ठीक है, ये सिंपल मशीन है, तो ये इस स्टोन को उठाना है, ठीक है, इस मशीन के। तो अब जो आदमी यहाँ फोर्स लगाया है वो इसका इनपुट फोर्स है, और यहाँ से जो हमारा मशीन है वो जो फोर्स लगाएगा वो क्या है? आउटपुट फोर्स, ठीक है। तो जो इनपुट फोर्स अगर स्मॉल है, इनपुट फोर्स स्मॉल है, तो आउटपुट फोर्स ज़्यादा होके एम्पलीफाई होके हमारे पास जो आता है वो आउटपुट फोर्स है, और दैट इज द इनपुट फोर्स। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर मतलब जितना अधिक होगा उतना, एक से अधिक होगा तो उसको देखो, यहाँ पे कह रहा एक से अधिक है, ये समझाता हूँ, एक से अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि लोड इज ग्रेटर देन एफोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, और सिंपल भाषा में बात करो तो आउटपुट फोर्स इज ग्रेटर देन इनपुट फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट फोर्स, जो हम फोर्स लगाए थे वो ज़्यादा हो गया, एम्पलीफाई हो गया, ठीक है। और इसी का काम है मैकेनिकल एडवांटेज का काम है, फोर्स को एम्पलीफाई करना यार। तो ज़्यादा फोर्स हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक से अधिक है तो मैं बहुत आसानी से लोड को उठा सकता हूँ, ठीक है। कम फोर्स लगाए अधिक में कन्वर्ट हो गया, और लोड को उठाना, लार्जर लोड को उठाना इजी होगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक से अधिक ही होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मशीन, किस टाइप का मशीन है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों ऑप्शन में से ये जो है फोर्थ ऑप्शन ही सही है, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। None of these is correct. Bonus question. ठीक है।